कहा था ना अगली वीडियो में बात करेंगे, सही कहा था। शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है हसन सुहेल और आप देख रहे हैं आई गेमिश। आजकल के दौर में वीडियो गेम से पैसा कमाना बिल्कुल मुमकिन है, और अगर आप एक गेमर हैं तो मैं बताऊंगा आपको आज ऐसे 5 तरीके जिनको फॉलो करके आप वीडियो गेम से पैसा कमा सकते हैं। तो फिर शुरुआत कर लेनी चाहिए और फिर हम इसके हवाले से बात करते हैं। चलो रोल आउट करते हैं। नंबर 1, लाइव स्ट्रीमिंग। जी हाँ, हमारा सबसे पहला तरीका होना चाहिए लाइव स्ट्रीमिंग, क्योंकि ये सबसे आसान है। इसमें करना ये होता है कि जो भी आप खेलते हैं वो आप दुनिया को दिखाएं, आप स्ट्रीम करें अपनी गेम्स को जो आप खेलते हैं, लोग देखेंगे, आपकी व्यूअरशिप जनरेट होगी, लोग आप में इंटरेस्ट लेंगे, इस तरीके से आपके सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स बढ़ेंगे, और जब आपके सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो उससे आपको रेवेन्यू मिलना शुरू होगा, और वो रेवेन्यू आप यूट्यूब से ऐड की सूरत में या फेसबुक से भी ऐड की सूरत में कमा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको स्पॉन्सर्स भी मिलेंगे जो कि आपको अच्छी खासी अमाउंट पे करेंगे। तो ये है हमारा सबसे पहला तरीका। दूसरा तरीका है जर्नलिज्म, यानी कि सहाफत। सहाफत सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं होती, वीडियो गेम में भी होती है भाई। और इसका करने का तरीकेकार ये होता है कि आप वीडियो गेम्स के हवाले से प्रीव्यूज, रिव्यूज, स्टोरीज लिखें, और वो स्टोरीज आप पब्लिश करें अपने आर्टिकल पे, या फिर कोई आपको हायर कर ले और आप उसके लिए लिखें। तो ये एक तरीकेकार है इसमें पैसा कमाने का। और देखें, आप जिस भी लैंग्वेज में लिखें, आपके अंदर पैशन होना चाहिए क्रिएटिव राइटिंग का, और अगर आप क्रिएटिव राइटर हैं तो आप ऑटोमेटिकली लोगों को अपनी राइटिंग के जरिए अपनी तरफ ला सकते हैं। और इसमें यही चीज काम आती है कि जितने अच्छे व्यूज आपके आर्टिकल या आपके वीडियोस पर होंगे, उतने ही ज्यादा आपकी व्यूशिप जनरेट होगी, और जितनी ज्यादा आपकी व्यूशिप होगी उतना ही अच्छा पैसा होगा भाई। ये बात रूल ऑफ थंब है, इसको याद रख लो। तीसरा तरीका है गाइड्स या ट्यूटोरियल। जी हाँ, वीडियो गेम की भी गाइड्स होती हैं, ट्यूटोरियल्स होते हैं, वॉक थ्रूज होती हैं। ये भी एक तरीकेकार है पैसा कमाने का। अब इसमें करना क्या होता है, अगर मैं आसान लफ्जों में आपको समझाऊं तो, मिसाल के तौर पे आप एक गेम खेल रहे हैं और उसका एक मिशन है जो कि बहुत ही मुश्किल है और वो हर बंदा आसानी से खेल नहीं सकता, लेकिन आपने खेल लिया क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो गई थी। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप उसके हवाले से कोई क्लिप रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट में मैसेज लिख सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं उसके ऊपर, किसी भी फॉर्म में लिखें, वो लिख कर आप उसको सोशल ब्लॉग पे या यूट्यूब पे पब्लिश करें। लोग जब भी उस मिशन को सर्च करेंगे वो आपकी गाइड की तरफ जरूर आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गूगल का एल्गोरिथम ऐसा है कि वो मल्टीपल लोगों को मौका देता रहता है कि उनका कंटेंट ऊपर आता रहे। इसी तरह आपका भी कंटेंट ऊपर आएगा, अगर आपकी गाइड्स अच्छी होंगी तो आपको व्यूज अच्छे मिलेंगे, और यहाँ पे फिर वही रूल ऑफ थंब आएगा कि जितने अच्छे व्यूज उतने ही अच्छे पैसे हैं। चौथा तरीका है पॉडकास्टिंग, यानी कैमरे के आगे बैठ के गपशप करनी है। मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। देखें, जब कोविड आया तो सारी दुनिया घर बैठ गई, और जब सारी दुनिया घर बैठी तो एक चीज ने बूम किया, वो थी पॉडकास्टिंग, क्योंकि पॉडकास्टिंग में लोगों ने एक दूसरे से कम्युनिकेट करके एक्सपीरियंसेस सारी दुनिया के सामने रखे। अब इसी चीज को आप गेमिंग की तरफ ले जाएं। अब गेमिंग में पॉडकास्टिंग ऐसी होगी कि भैया एक अदद कैमरा है और एक अदद माइक है, आपने सामने बैठना है और आपने बुलाने हैं गेस्ट। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है। आप उनसे बैठें, बात करें, उनके साथ गेमिंग के हवाले से डिस्कशन करें, उनके ओपिनियंस लें, अपने ओपिनियंस दें, सजेशन बताएं, एक्सपीरियंसेस शेयर करें कैमरे के आगे बैठ कर। इट्स अ सॉर्ट ऑफ फन, और लोग इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। तो ये भी एक तरीकेकार है जिसके ज़रिए आप अपनी व्यूअरशिप बढ़ा सकते हैं, और फिर वही रूल ऑफ थंब है कि भैया जितने अच्छे व्यूज़ उतने ही पैसे। पांचवा और आखिरी मेथड आज का ये है कि सेल योर गेम्स और गेमिंग अकाउंट्स। जी हाँ, अगर आपने कोई गेम खेलना छोड़ दी है, लेट सपोज कि आप पबजी खेलते थे, आपने 7-8 महीने खेली, उसके बाद आपने छोड़ दी, तो भैया उस गेम अकाउंट को उठा के बेच दो। मार्केट प्लेस बहुत सारी मौजूद हैं, इवन के फेसबुक पे भी अकाउंट बिक जाते हैं। तो आप ऐसे अकाउंट्स को मत रखें, उनको बेच दें। और आप इसके साथ साथ ये भी कर सकते हैं कि आप चीप गेमिंग कोड्स या गेमिंग करेंसीज ढूंढें इंटरनेट पे और उसको अपनी लोकल मार्केट में बेचें, क्योंकि ये भी एक तरीके का है जिससे लोग पैसा कमाते हैं, और आप भी इससे पैसा कमा सकते हैं। बस इसमें थोड़ी सी रिसर्च करनी होती है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। जब आप बीच में आएंगे इस चीज़ में तो आप खुद ब खुद ही चीज़ें सीख जाएंगे। तो ये है आज का पाँचवा और आखिरी तरीका। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उसका जवाब मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह, और आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है भाई। ये इमरान खान वाला डायलॉग नहीं है, ये मेरा अपना वाला डायलॉग है। इसको इस तरीके से लें कि आपने घबराना नहीं है और आपने बस कोशिश करनी है, क्योंकि जब आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख भी जाएंगे और कर भी पाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। इसलिए बेहतर ये है कि सोचें मत, पूछें, सवाल करें, हेजिटेशंस को दूर करें।
इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आपके साथ मैं इस तरह की बातें शेयर कर सकूं। अभी मैं चलता हूं, अपना आप ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। जो दिल करता है वो कीजिए, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।